आज आप चर्चा करा मृत्यु बोझ पर, लेकिन ये रुकना तो बहुत समय लगेगी क्योंकि लोग अभी तैयार नहीं है। कुछ लोग उसके जो मृत्यु भोज के पक्षधर है, मैंने ऐसा गांव में कई लोगों को देखा है, वो तर्क देते रहते हैं कि मायत है हमारा, ऐसे ही कैसे जाने देते हैं, तुम तो अलग हो गए। तो ऐसी चर्चा पर आप आज बात करा कि गांव की एक कुछ अच्छी घटना है। एक डोकरो मरगो, डोकरा की मौत हो गई, तो मौत हो जाने के बाद में अंतिम संस्कार यानी दाग दे एर पाचा घरे आएगा, और घरे आने पर सारे गांव के लोग, आसपास के लोग वहां बैठे थे और चर्चा चल रही थी। तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन जैसे ही चर्चा चली तो मैं मारा हूँ रहो को नहीं गयो, और मैं बाने कहो कि भाई डोकरो तो ख़त्म होगा और आपने जो ये मृत्यु भोजाली है एक परिपाटी, मुझे नहीं पता कि कौन चलाई क्यों चलाई, लेकिन आज का ज़माना में आप इन्हें सही रूप देखा तो ये सरासर मन लागे के गलत है। तो आपने इनमें थोड़ो सो परिवर्तन करना चाहिए, और जताने सामने बेटा काफ़ी लोगों के या जो पंच पटेल हा जका के लिल्लाड़ में हड़ पड़वा लागियो, पर मारो और कोनी रहे हो गयो और मैं क्यों रे, ज़्यादा आप रोक नहीं सको तो कम वो कम है जो इनमें खर्चो करो ताकि ये घरवाला पर ज़्यादा भार कौन पड़े, ये लोगों को कर्जो कौन बढ़े। पर मारी बात ने बे टालते हुए क्यों जरे माँ का मायता नहीं यहीं बगा दिया, मायत मरे जका ने यहीं फेंक दिया, मायता के लारे कहीं कौन करा। तो मैं बोलियो के थोड़ो बहुत कर लियो जैसे आपकी इच्छा अनुसार के भाई आपने हिताब में दिख जाए। तो सारा लोग बेटा बटे और बाता चीता चाले ही, पर जिमकड़े जो मेटा या भवे जका को लिलाड़ पर हड़ दे कर मैं बोलियो कर भाई ज़्यादा खर्चा करवा में घाटो ही घाटो है, ज़्यादा खर्चो मत करो, खर्चा ने कम करो और की एके दुके की अन की बना लियो। तो मैं बट हगड़ा जना बेटा, और बात है चाली लोगों के मानना करते हुए भी मैं बोलियो कि भाई कम कम करनो है आपने और ज़्यादा खर्चो नहीं करनो है। मैं नाराज़गी तो बा लोगों की देख ली, पर मारो और ही को नहीं रहे हो, मैं क्यों भाई ज़्यादा थे करनो चाहो तो एक कोई मिठाई कर लियो और साग रोटी साग बना लियो, आउन नाला भी हुई आपका पेट भर ले, पेट ही तो भरनो है। और अटी ने आप देखो कि आप ज़्यादा मिठाइयाँ करा उत्सव मनावा जेल को काई काम है, अपना घर में मिनंग मरियोड़ो और मिनंग मरगो और लारे टाबर है, घराला है, सारा कुल्ला रिया है, रो रिया है, और आपा जो को ये मिठाई के जकी खानी चावा तो मारे हिसाब आ ठीक होनी। तो बटे सारा बेटा ही पंच पटेल है जगह के काशा या नाराजगी महसूस भी मैंने, और देखियो बांका लिलाड़ में काफ़ी हड़ पड़ गो, फिर भी बटे मोटा मोटी में तय हुई हो कि एक ही मिठाई करा और एक सब्जी रोटी बना लिया, और तय हो गो। जरा मैं भी सोचो को ठीक है, अतिक दूर तो ठीक है, नज़दीक तो आया। तो मैं देख तो रही और जान तो रही हो, बाता चीता चालती रही और माँ के आते हुई ओड़ी भाई एक मिठाई और साग रोटी बनानी है। अब बट काई वे ऐसा कनो आ जावे माल भी ले आवे, और मैं भी बट जाता तो रहते तो, माने देख तो रही हो, और तह हुई जकी बात है जकी ने पे नकारते हुए हाँ दो तीन मिठाइयाँ बनाई ली नी, भुजिया बनाई लिया, साग पूड़ी बनाई ली नी और दो सब्जी बनाई ली नी। तर मैं क्यों अरे भाई ओ कहीं काम करियो आपने आते हुई नहीं क्यों बस बाते हुई जकी बत्ती दूर ही भाई माऊ तो को नहीं रही जे, मैं तो अतो तो करा ही करा। अरे घणो कर्जो हो जाए क्यों चुका दे, तीन चार बेटा है चुकाता रही।
तो फिर मैं चुप रही हो, मैं क्यों ठीक है भाई था के जच्चे जी हमें ही, लेकिन ओ काम तो गलत है, आज नहीं तो कल आपने इन्हें रोकनु तो पड़ी। जरा सारा लोग बट बेटा जगह की हो भाई, ओ टाणु है और ओ टाणु सुधार, और फिर आपा एक जगह हो सारा इकट्ठा वेर ओते कर लिया गया आपने कि तो काही करनो है या नहीं करनो है। मैं कह चलो ठीक है भाई कि अब के पाबंदी लगाई जा पूरी, चलो अब बढ़िया है को करो वाकई को। तो मैं भी बात पर न देख तो रही हो भाई कद करेला कद करेला। मैं कुछ लोगों को चर्चा करिए रे काही हो भाई बात को, क्यों जी अबे बा बैठे ही कोनी काही करा अपार। तो मारे कहने को मतलब है कि ये जिमकू है जका मिटाया भावे जका दूसरा को घर बर्बाद कर बाड़ा बे लोग हो रे बाड़ा कोनी है। इन वास्ते आपा लोगों ने जका मुहिम चला बाड़ा ने शक्ति बरतनी चाहिए, और मिनक हो तो आज वो शपथ लेनी चाहिए कि कदे ही मृत्यु बोझ के नाम पर कोई मिठाई नहीं करा और न खावा और न खिलावा। अगर आप आज से शपथ ले हो तो वो समाज सुधार वह सके, समाज को सुधार, बाकी बिगाड़ ही बिगाड़ है। आप जानो कि माता पिता दादा दादी हर टाणा के माए आज ई महंगाई का जमाना के माए ने कम से कम 2.5-3 लाख रुपया गरीबों गरीब है, घर है गरीबों गरीब भी न खर्च हो जावे और भी को ब्याज बढ़ तो रहे। तो आप ई पर थोड़ो विशेष ध्यान देवो ताकि आपनों आने वाली पीढ़ियाँ आपा ने गालियाँ न दे। यह कहे कि अपना पूर्वज है जगह बहुत बढ़िया हा अच्छा हा। तो मारो फिर आप लोगों निवेदन रही कि आज के बाद वो मृत्यु बोझ बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर दो, और ज़्यादा समय लेते हुए दूसरा की अघटना ना घटे ई के पहली ओसारो बंद कर दो। धन्यवाद, आप लोगों ने मारे बड़ी प्रेम बात सुनी, इन वास्ते आप लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। और मैं जानू अब मारे पक्ष में ज़्यादा आदमी वेला और ये मृत्यु भोज पर एक न एक दिन जरूर अंकुश लगेला। धन्यवाद।